अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स की जनरल साइंस में आज हम यूनिट नाइन फोर्सेस एंड मशीन की एक्सरसाइज के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। सबसे पहले करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज सिंपल मशीन। आंसर लिखें, अ मशीन इज़ अ डिवाइस डेट हेल्प्स टू मेक वर्क ईजियर। शॉर्ट क्वेश्चन टू है, नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। इस आंसर को अपने पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट वन है लिवर, पुली, इनक्लाइंड प्लेन, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू, वेज, गियर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, डिफाइन पुली। आंसर लिखें, अ पुली इज सिंपल मशीन यूज टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर फोर है, डिफाइन गियर्स। आंसर लिखें, व्हील विथ टीथ अराउंड देम आर कॉल्ड गियर्स। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पुली आर देयर, नेम देम। आंसर लिखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुली, फर्स्ट है मूवेबल पुली एंड सेकंड है फिक्स्ड पुली। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, डिफाइन व्हील एंड एक्सल। आंसर लिखें, हेडिंग दे पहले व्हील एंड एक्सल, इट इज़ अ सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखें द व्हील, इसके बाद लिखें एंड अ शिफ्ट, ब्रैकेट में एक्सल लिखें, विच इज़ अटैच टू द सेंटर ऑफ द व्हील। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। लॉन्ग क्वेश्चन वन है, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक ऑफ गियर। आंसर में पहले आप हेडिंग दे मार्कर से करेक्टरिस्टिक ऑफ गियर, इसके बाद पॉइंट वन लिखें, गियर कैन ट्रांसमिट रोटेशनल फोर्स टू अनदर गियर इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट लिखें, द स्पीड ऑफ द ड्राइवन शिफ्ट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टीथ इन ईच गियर। लॉन्ग क्वेश्चन टू है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हील एंड एक्सल। आंसर लिखें, हेडिंग दे पहले प्रिंसिपल ऑफ व्हील एंड एक्सल, इसके बाद लिखें, व्हील एंड एक्सल वर्क टुगेदर टू टर्न और मूव अ लोड व्हेन एफर्ट फोर्स इज अप्लाइड। द व्हील इज सर्कुलर पाथ व्हाइल द एक्सल इज द रॉड दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ व्हील। लॉन्ग क्वेश्चन थ्री है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ पुली। आंसर में हेडिंग दे पहले यूजेस ऑफ पुली, इसके बाद लिखें, इट इज यूज इन फ्लैग पोल्स टू रेज द फ्लैग टू सर्टेन हाइट। सेकेंड पॉइंट लेके, इट इज़ यूज इन क्रेन्स टू रेज द लॉड। तो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो गया, इसके हमने वर्कबुक भी कर लिए और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। स्टूडेंट्स, अब तक आपको जितना भी काम करवाया गया है नोटबुक और वर्कबुक में, वो आप अपने स्कूल चेकिंग के लिए भिजवा दें। शुक्रिया।